पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हमने आज FIR दर्ज किया यहाँ पे। जो भी मेंटल टॉर्चर, जो भी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर एंड यूजिंग प्रतिशत फंड बाय राहुल एंड एज वी हैव सीन इन मीडिया दैट वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट राहुल एंड हिज फादर एज क्लेम्ड बाय हिज फादर दे बोथ वेयर मैनेजिंग हर फाइनेंस। वी रियली नीड टू डिटेल। सर यही चीज़ आपको बोलना है, जो जो आपको अभी तक जानकारी मिली है, क्या कहना चाह रहे हैं राहुल के खिलाफ? मिस्टर बैनर्जी, आपने जो FIR लिखवाई है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है? शक तो हमें है ना। अगर मान लीजिए किसी का भी कोई अपना का इस तरह का हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले अपने सबसे पास का जो नर्सिंग होम होगा या डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाएंगे लोग, है ना। वहाँ से निकाल के कोकिलाबेन तक जाने का क्या जरूरत? इतना डिस्टेंस, अगर उसको इतना ही प्यार था प्रत्युषा से, तो सबसे पहले तो जो नज़दीक का नर्सिंग होम मिलेगा, सबसे सामने जो मिलेगा वो वहाँ ले जाएगा। ये सबसे पहला शक खड़ा होता है यहाँ पर। बाकी पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ ऐसा ही बिहेव किया था कि प्रत्युषा को सबसे अलग कर दिया था, सिर्फ परिवार वालों से नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं, उसके सारे दोस्तों से, उसके सारे दोस्त, ये भी हमारे बच्चे ही हैं, सब सब प्रत्युषा के बहुत क्लोज थे, इतने क्लोज कि हमारे बच्चे जैसे हैं सारे, और ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। एंड क्या कहूँ, इन बच्चों का दम है कि हम अभी तक यहाँ स्ट्रेट खड़े हैं, अदरवाइज हमारी तो दुनिया उजड़ गई। और सपोर्ट हमको पुलिस से मिला है, पुलिस का कोऑपरेशन मिला है, हमें विश्वास भी है पुलिस पर, कानून पर, हमें जस्टिस मिलेगा। पुलिस इसका जड़ तक जाके रहेगी, हमें जस्टिस मिलेगा, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। प्रतीक्षा से आखिरी बार जब बातचीत हुई, कभी इस बात का एहसास हुआ कि उस रिलेशन से खुश नहीं है या कुछ तकलीफ में? जी, लास्ट मेरा उसे 30th को बात हुआ, 1st को तो चली गई, 30th को बात हुआ था। प्रत्युषा एस्ट्रोलॉजी पर उसको काफ़ी विश्वास था, क्योंकि मेरे फादर प्रत्युषा के दादाजी एक बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर रहे, और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हमसे ही सुनना चाहता था, हालांकि वो किताब में है, बट वो कहता था पापा आप पढ़ के सुनो। तो उसने अपने मम्मी से कहा था कि मम्मी पापा को बोलो ना पढ़ के सुनाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद वो हमसे बात की थी, तो मैंने उससे कहा भी था कि वो लियो है, तो मैंने कहा था ये तो दिख रहा है कि लियो का ये साल बहुत अच्छा है, और तू तो मेरी चैम्पियन बेटी है, प्रॉब्लम क्या है, तेरे को तो इस वक्त तो बहुत अच्छा करना चाहिए। तो बोली कि नहीं पापा, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पापा, मैं आपको बताऊंगी बहुत डिफ़िकल्टी है पापा लाइफ में। और तभी मुझे एक बेल बजने का आवाज़ आया, जहाँ भी वो थी, जहाँ वो राहुल उसको ले गया था, जहाँ वो दोनों रह रहे थे, हमने अभी तक वो जगह भी नहीं देखा, शिफ्ट होके वो लोग जहाँ रह रहे थे। फिर मैंने एक बेल का आवाज़ सुना, और उसने कहा कि पापा मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर कॉल करती हूँ, बस वही आखिरी बार उससे बात की। That's all. क्या आंटी जी से भी कुछ बातचीत हुई थी आखिरी बार? क्या बात हुई, क्या आप वो बताना चाहेंगे कि प्रतीक्षा ने आखिरी बार आपको कौन सी बात अब याद आती है, फ़ोन पे क्या बात हुई थी कब? हाँ, उसका ऐसे हमारे साथ ऐसे बहुत दिन से बात नहीं कर रही थी, तो बीच में एक दो दिन ऐसे एक बार अचानक फ़ोन आया, तो मैं बहुत खुश हो गई, तो बोली कि मम्मी मैं आपके जैसा खाना बनाना सीख गई हूँ और बहुत अच्छा से रहती हूँ। हम बोले बाबा बस ध्यान रखो अपना और खुश रहो। ये ऐसा हुआ, फिर 31st को शाम को मेरे पास फ़ोन आया उसका, और वो पूछी कि आपका कुछ बात हुआ क्या? ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ इस लड़के का, मुँह से नहीं निकल रहा है नाम जो भी है। तो बोला आप उनसे बात की है क्या, या पापा उनसे बात किए हैं क्या? तो हम बोले हाँ तुम्हारे पापा बात किए हैं, और आगे का तुम लोगों का क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे, और बस अच्छा से रहो और देखो आगे काम करो और बताओ कैसे क्या करना है करके। तो बोले अच्छा पापा बात किए थे? हम बोले हाँ पापा बात किए थे, बस इतना ही बात लास्ट हुआ, उसके बाद और कोई बात नहीं हुई। सर राहुल के पेरेंट्स का एलिगेशन, उन्होंने लगाया कि आप जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे आप दोनों, और
पैसे को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं कि गतिशा ने कुछ पैसे आप लोगों को दिए थे, सब बहुत सारे आरोप लगाए आपको शायद पता नहीं। देखिए, जहाँ तक पैसे की सवाल है तो पैसा तो ऐसे आता नहीं है, वो किसी न किसी बैंक में आता है। हमने सारा बैंक अकाउंट का डिटेल, सारा एविडेंस पुलिस को दे दिया है। कोई कुछ भी कह देने से तो कुछ होता नहीं है, है ना? और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि बच्चा हमारा है और हम उसके साथ रहते हैं, आपके भी माँ बाप है ना, आप अगर पापा को बोलते हैं कि जाइए अकाउंट से पैसा लेके आइए या चेक डाल के आइए या कुछ भी होता है डेली लाइफ का, जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जो एक्सपेंस वो बैंक से जाके ड्रॉ करना, तो ये हैंडल करना या कुछ भी करना, वो अगर एलिगेशन होता है तो कोई भी माँ को तो बच्चा के साथ रहना नहीं चाहिए, उसका पैसा छूना ही नहीं चाहिए फिर तो। ना माँ बाप को औलाद को कुछ देना चाहिए, ना औलाद को माँ बाप को कुछ देना चाहिए, तो किस तरह का ये एलिगेशन है? कैसी बात, कैसी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर इस लड़के के पेरेंट्स इतने क्लोज थे प्रत्युषा के, जिसको हम जानते, तो उनको तक जरूर नहीं पता होगा। हमने आज तक उनसे ना कभी मिला, ना कभी फोन पर बात हुई, ना कुछ, ठीक है? तो उनको तो सबसे पहले दौड़ के मुंबई आना चाहिए था, तो हमने सुना कि वो रांची से ही बोल रहे थे। हमें नहीं पता, और हमारा मेंटल स्टेट भी ऐसा नहीं है इस अभी तक कि हम कुछ सोच पाए, समझ पाए। लेकिन फिर भी जो समझ में आ रहा है, ये लड़का टोटली फ्रॉड है। अब और किसी के साथ ऐसा ना हो बोल के हम ऐसे अब लड़ाई कर रहे हैं, और किसी बच्चे के साथ किसी ऐसा बच्चे ना के साथ बहुत बहुत और तकलीफ, और कोई फ्रॉड किसी बच्ची को इस तरह से बर्बाद ना करे, इतना हिम्मत ना हो किसी को। आंटी, मैं पूछना चाहूंगी कि हमेशा लड़की अपने माँ के बहुत करीब रहती है, कभी प्रत्युषा ने उनके रिश्ते के बारे में आपसे कभी ऐसी बात की जिससे आपको लगा कि वो आदमी सही नहीं है उनके लिए? हाँ, कभी कभी वो रियलाइज करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो हर लड़की बहुत लड़की भी लड़कियाँ भी बहुत बेवकूफ होते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा मीठा बोलने से फिर हम पिघल जाते हैं, तो वो पिघल के बुरा खत्म होके चली गई। और काफी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत डरी, काफी डरी हुई थी, उसको काफी डराया गया था। उससे ये भी अभी जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, उसको डराया गया था कि हम लोग रांची के बाहुबली है। सबसे पहले वो आके बोला था कि उसका 4 फ्लैट है मुंबई में, 3 गाड़ियां है रांची में, रांची के नामकुम में उसका घर है, वो 150 एकड़ ज़मीन पर उसका घर है, उसकी माँ कहीं की एमएलए है। पहले वो जहाँ का बताया, झारखंड में गो की एमएलए है। मैंने पता किया, वहाँ कोई एमएलए नहीं थी उसकी माँ। फिर उसने बताया कि और किसी जगह का नाम लिया, रांची के पास एक जगह है मांडर, वहाँ की एमएलए, वो भी नहीं है। अब हम आपसे अपील करते हैं, आप लोग ढूंढ के निकालो सच्चाई क्या है, और आपसे छुप नहीं सकता, मीडिया से कुछ नहीं छुप सकता। आप चाहोगे तो ढूंढ के निकालोगे, जरूर निकालोगे आप, हमें ये भी पता है। ये तो अभी के लिए है, धीरे धीरे हमें ज़्यादातर जो आखिर के दिनों में प्रत्युषा के साथ क्या हो, बस कुछ कहा नहीं जा रहा, किस तरह बिहेव कर रही थी, ये सब ज़्यादातर हमें जान पड़ा उसके क्लोज फ्रेंड से। ये पूछ सकते हो कामिया है, विकास है, उस लोग से बात ज़्यादा होता था, वो लोग समझना ये चाहेंगे। हम सभी जो है यहाँ पर पिछले 5 दिनों से अलग अलग थियरीज जो है सामने आई, कभी उसमें धोखे की बात थी, कभी उसमें रिलेशन की बात थी, कभी उसमें पैसे की बात थी, लेकिन बतौर प्रत्युषा के माँ बाप आपने कई सारे लोगों से बातचीत की होगी, उनके फ्रेंड से, आपको कौन सी चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग बेस लगती है जिसकी वजह से सुसाइड किया हो सकता है या इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप प्रत्युषा ने लिया हो सकता है? हम अभी तक इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं कि प्रत्युषा ने सुसाइड किया होगा। इट इज चीटिंग एंड मेंटल टॉर्चर, अभी ये प्रूव होने में टाइम लगेगा, शायद ऐसे ही कुछ होगा। बाकी और मैं एक बात ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि अंकल आंटी यहाँ पे बॉम्बे में नहीं रहते थे, वो कोई भी बेटी जो माँ बाप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते, उनको फ़ोन करके ये नहीं बताएगी कि मैं रोज़ किस मुसीबत से गुजर रही हूँ, किस परेशानी से गुजर रही हूँ। और वो जानती थी कि वो अकेली है, अकेली बच्ची है, माँ बाप के पास और कोई है नहीं माँ संभालने वाला, तो वो उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, मैक्सिमम चीज़ें वो नहीं बताती थी,
वो बताती थी तो हमें बताती थी, दोस्तों को बताती थी। अंकल आंटी क्योंकि माँ बाप है, बात करने के तरीके से वो समझ जाते थे, वो जानते थे, अंकल आंटी जानते थे कि परेशान है बेटी, लेकिन रोज़ किस लेवल का टॉर्चर हो रहा था और क्या क्या हो रहा था ये सिर्फ दोस्तों को पता। एकदम सही बात। आंटी एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मान लीजिए ये शख्स उसके लिए जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, तो आप क्या चाहेंगे कि उसे किस तरीके की सज़ा मिले ताकि आपके साथ इंसाफ हो कम से कम? मान लीजिए नहीं, मान लीजिए वो शख्स ही जिम्मेदार हो सकता है। आपका रिएक्शन है कि ऐसी कौन सी सज़ा उसको दी जा सकती है जिससे आपको जो इंसाफ मिला आपके साथ? भारत का कानून में जो भी सज़ा है, एकदम सबसे जो अंतिम सज़ा होता है या एक होता है फांसी, और नहीं तो जिंदगी भर उसका जेल हो और जिए और देखिए कि कैसा होता है ऐसा जिंदगी, और किसी को मारने से कितना तकलीफ होता है उसको ये सबक होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है और हमको नहीं पता था, और कुछ मैं नहीं बोल सकती। एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल, उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने, और एक FIR भी दर्ज है, मलाड पुलिस स्टेशन में ही दर्ज है FIR। हीर पटेल भी सामने आके बात करना चाहती है, और एक दूसरी भी लड़की है शोभा जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ और बताना चाहती है कि सच क्या है और उनके साथ कितने कितने पैसों का फ्रॉड हो चुका है। इन द लास्ट 4 इयर्स अप्रोक्सीमेटली 7 गर्ल्स। शोमा जी ये भी आरोप है कि उसके फाइनेंशियल, आपकी बेटी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और काफ़ी कुछ दिनों से काम नहीं था, ऐसा आरोप है, इसके वजह से उसने ये कदम उठाया। देखिए ये बात तो हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। आप ये बात आप चाहते हैं कि आप उनके मुंह से सुने तो बेटी की सुन लीजिए। माता जी को पता होगा कि किस तरह के काम मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, और ये पूरा गलत बोला जा रहा है और ये सारा चीज। और जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं इससे तो यही आप लोगों को भी पता चल रहा है ना कि लास्ट कुछ महीनों से दिस बॉय एंड उनके फादर यही दोनों प्रत्युषा के फिनांस हैंडल कर रहे थे, तो ये बेहतर बता सकते हैं आपको, आपको पुलिस को कोर्ट को सबसे बेहतर ये बता सकते हैं। उसके पास कितना पैसा था, राहुल ने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसको मैनेज किया, प्लीज पूछिए राहुल के फादर से। अगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और वो लोग इतने पैसे वाले हैं और प्रत्युषा से वो बे इंतहा प्यार करता है और प्रत्युषा का डेबिट कार्ड यूज करता है और उसका सारा पैसा वही ले लेता है, क्या जरूरत था उसको लेने का? जरूरत था प्रत्युषा का डेबिट कार्ड लेने का और उसका चेक को बैंक में डालना और कुछ, हमको तो उसका कुछ भी पता नहीं था लास्ट कहीं कई महीनों से। अगर शादी करना था दोनों को तो अगर प्रत्युषा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी जो कि वो नहीं थी, चलो मान लिया जाए कि अगर थी भी, तो ये लोग तो उसको निकाल सकते थे ना उस प्रॉब्लम से। आपके जरिए दूसरा एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो अपने बेटी के जरिए से जानते थे कि राहुल बहुत बड़ा आदमी है, उसके 2 प्रोडक्शन कंपनीज है, उसके श्रीलंका में होटल्स है, ये सब हम अपने बेटी के जरिए से जानते हैं हम लोग, और मतलब डिटेक्टिव लगा के नहीं देखने गए। आप लोग काइंडली ये पता कीजिए कि राहुल का इंफ्लो क्या था, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या इन्फ्लो था, कितना कमाता था, हम भी जानना चाहते हैं, प्लीज पता कीजिए। सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ महीनों पहले ऐसी जानकारी है कि आप लोग शायद मुंबई आए थे, राहुल ने आप लोगों को वापस जमशेदपुर भिजवा दिया था, क्या वो प्रत्युषा के साथ आप लोगों को नहीं रहने देता था, ये सारी चीजें ठीक है? या ये तो समझ में आ रहा है ना, आप सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे उसने सबको काटा, सबसे पहले प्रत्युषा के लिए जो लोग काम करता था, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम ऐसे ही लोग हैं, जो बच्चे हमारे लिए काम करते हैं वो घर के बच्चे बन जाते हैं, वो सभी सामने आएंगे, वो सभी अपना बयान दर्ज कराएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। क्या आप लोगों को दूर करने की कोशिश करता था? जी पूरा कोशिश किया, सबको काट दिया उसने, जो भी प्रत्युषा के अपने थे, पहले पेरेंट्स को काटा, पहले स्टाफ्स को काटा, उसके बाद पेरेंट्स को काटा, उसके बाद उसके जो क्लोज फ्रेंड्स और उसका था कि जो उन पे जान छिड़कते कैरेक्टर पे भी बहुत उन सबको काट बहुत एलिगेशन लगाता था, वो उसको डराता था, गंदा गंदा बात बोलता था, जो कि एक लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है, और वो भी प्रत्युषा की जैसी लड़की, इतना जिंदा दिल लड़की, हाँ सही में, और ये इतना जिंदा दिल लड़की जिसको जीने का इतना इच्छा था, वो मर कैसे जाएगी अपने से? खत्म कर दिया, मतलब
अब आगे क्या हुआ तो आएगा सामने, पता नहीं, लेकिन हमें भी जानना, हमें भी छोड़ना मतलब बहुत बड़ा गलत बात हो जाएगा। इंसिडेंट हुआ था जिसमें